नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल स्टडी विद जेपी पर। फ्रेंड्स, हम आपको आज रियल बताएंगे कि जो हाथरस में हत्याकांड हुआ था, जो गैंग रेप हुआ था, उसकी हकीकत क्या है। क्या ये जो फोटो वायरल हो रही है, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, क्या यही वही मनीषा है जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, या कोई और है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता ही है, फोटो बहुत वायरल हो रही है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, लेकिन जो हकीकत में वो बयान दे रही है, वो लड़की कोई और है। इसी के साथ आज आपको बताते हैं कि ये आज के अखबार की न्यूज़ है, ये दैनिक भास्कर है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पूरा न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि रेप पीड़ित की वायरल फोटो की सच्चाई, इस फोटो की सच्चाई क्या है कि जिस लड़की को हाथरस गैंग रेप पीड़ित बताया, वह चंडीगढ़ की मनीषा, जिसकी 2 साल पहले बीमारी के कारण हो चुकी है मौत, ठीक है फ्रेंड्स। ये है मनीषा यादव, जो चंडीगढ़ की है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। और ये मनीषा की वही फोटो है जिसे हाथरस गैंगरेप पीड़िता की बताकर वायरल किया जा रहा है। उनके पिता को भी दुख हो रहा है कि उनकी बेटी की मौत के बाद भी बदनामी की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ, तभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाथरस में एक दलित लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई, उससे पूरा देश गुस्से में है। लड़की के साथ हैवानगी करने वालों को फांसी देने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर भी फोटो वायरल चल रही है, जिसमें बताया गया है कि गैंगरेप पीड़ित लड़की है, लेकिन असल में जो फोटो दिखाई गई है, वह लड़की चंडीगढ़ की मनीषा यादव है। मनीषा यादव की 2 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। जाने अनजाने में चंडीगढ़ की बेटी और उनके घर वालों के साथ अन्याय हो रहा है। आम पब्लिक ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी चंडीगढ़ की मनीषा की तस्वीर को वायरल करने में लगे हुए हैं। देश के लोग भले ही मनीषा की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर में पोस्ट कर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा मनीषा के घर वालों को उठाना पड़ रहा है। पिता के जख्म फिर ताज़ा हो गए हैं, जो अपनी जवान बेटी के चले जाने के गम बुलाने की कोशिश कर रहे थे। मनीषा के पिता मोहनलाल यादव ने बताया कि उन्हें बेहद दुख हो रहा है, उनकी बेटी की मौत के बाद भी बदनामी की जा रही है। मोहनलाल ने बुधवार को चंडीगढ़ के SSP को इस संबंध में शिकायत दी और कहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी बेटी की तस्वीरें वायरल होने से रोका जाए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाए। उस मनीषा यादव को पत्थरी की बीमारी थी। मनीषा यादव का परिवार राम दरबार कॉलोनी में रहता है। मनीषा की 21 जून 2018 को शादी हुई थी, उससे पत्थरी की बीमारी थी और दिनों दिन ये बढ़ती चली गई। 22 जुलाई 2018 को मनीषा की मौत हो गई। एडवोकेट अनिल गोगना ने बताया कि रेप पीड़ित के बारे में किसी भी तरह की जानकारी को सार्वजनिक करना दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वालों पर IPC की धारा 228A के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस धारा के तहत दोषियों को 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है फ्रेंड्स।